उतारे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो MNF ने 27 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, जबकि एक साल पहले ही 2017 में बनी नई नवेली ZPM 8 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने 4 और BJP ने 1 सीट जीतकर मिजोरम में पहली बार जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार देखना होगा कि जनता अपना विश्वास किस पार्टी पर जताती है, MNF के ज़ोरमथांगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर पूर्व IPS लाल दुहुमा के नेतृत्व में ZPM पार्टी सत्ता में आती है। हालांकि 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में इस बार नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ MNF और BJP अलग अलग चुनावी मैदान में है। फिलहाल MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट BJP की अगुवाई वाली NDA की सहयोगी पार्टी है। इसके बावजूद MNF और BJP ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। MNF सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं BJP ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इससे पहले 2018 में भी दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। मिजोरम BJP के अध्यक्ष वनलाल मुआका पहले ही पार्टी के कई सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को ही आने वाला था, लेकिन बाद में चुनावी नतीजों की तारीख बदलकर 4 दिसंबर को दिया गया था। हालांकि इस बार मिजोरम में ऐसी कई सीटें हैं जहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। उन्हीं में आइजोल पूर्व एक ऐसी सीट है जिसके नतीजे पर सबकी नजर टिकी है। इस सीट से राज्य के CM ज़ोरमथांगा और ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के उपाध्यक्ष लाल थानसांगा के बीच मुकाबला है। ज़ोरमथांगा पहली बार 1987 में चंफाई सीट से विधायक और 1988 में पहली बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। वहीं तुईचांग सीट पर उप मुख्यमंत्री और MNF के उपाध्यक्ष टॉन लुइया का मुकाबला ZPM के W छोनामा और कांग्रेस के C लाल रियात पुइया से है। डंपा सीट को भी एक हॉट सीट माना जा रहा है, जहां से BJP प्रदेश अध्यक्ष वान लाल मुआ का चुनावी मैदान में है। मिजोरम विधानसभा में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 21 सदस्यों का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई पार्टी अकेले दम पर इस आंकड़े को पार कर पाती है या एक बार फिर से गठबंधन की सरकार राज्य में बनेगी। तो एक बार फिर से ज़ोरमथांगा या फिर इस बार लाल डोगा, ये आपको दिख जाएगा। ये इधर आप देख लीजिए, टैली आपको जो दिखाई दे रही है, तमाम जो VIP नाम है, चेहरे हैं, वो यही आपको दिखाई देंगे। तो किसके हाथ में कमान जाती है? अब लोग तो यही कह रहे हैं कि इस बार लाल डोहोमा शायद बन सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बार बार हम आपको यही कह रहे हैं, बस 8 बजे का इंतजार अब बाकी बचा रह गया। उसके बाद जैसे ही आंकड़े आने शुरू होंगे, सबसे पहले News18 India पर आपको मिलेंगे। और इधर 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में BJP ने बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में BJP ने 163 सीटों पर बंपर जीत दर्ज कर अपनी सत्ता बरकरार रखी। तो वहीं राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रहा। BJP ने 199 में से 115 सीटों पर कब्जा किया है। एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी की है BJP ने। उधर छत्तीसगढ़ में सबसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। BJP ने वहां 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और 54 सीटों पर जीत कर सत्ता में 5 साल बाद वापसी की है। दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीट जीत कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली है। वही सत्तारूढ़ BRS 39 सीट ही जीत पाई है। और वहीं BJP पिछली बार के 1 सीट से लंबी छलांग लगाकर 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में वहां कामयाब रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी तय कर दी है। BJP की प्रचंड जीत ने देश के पॉलिटिकल पंडितों को एक नया मुहावरा भी दे दिया है। मुहावरा है मोदी की गारंटी। पूरे देश में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सत्ता के गलियारों तक यही शब्द गूंज रहे हैं, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।
देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। देश में जीत की गारंटी मोदी है। सारे कयासों को खत्म कर बाजी पलट देने की गारंटी मोदी। कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो, बड़ी से बड़ी चुनौती पर भारी पड़ने की गारंटी मोदी। विपक्ष के हर वार पर अचूक प्रहार करने की गारंटी मोदी। हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा के सेमीफाइनल में बीजेपी ने तीन राज्यों में एक साथ चुनाव जीतकर बाजी मार ली है और विपक्ष को धराशायी कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की टैगलाइन थी, एमपी के मन में मोदी हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि पूरे देश के मन में मोदी हैं। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी का दिया गया एक नारा, मोदी की एक अपील और मोदी की एक रैली भी विपक्ष की जमी जमाई राजनीति को हिला देने के लिए काफी होती है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं, और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। मोदी के विजयी भाषण का हर महत्वपूर्ण अंश हम आपको दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत और मोदी की गारंटी वाले जादू की पूरी तस्वीर आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरह से सियासत के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक मोदी की गारंटी शब्द ट्रेंड करता रहा। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की जुबान पर आज एक ही शब्द था, मोदी की गारंटी। ये मोदी जी का जादू है, मोदी जी का चमत्कार है, 9.5 साल की मोदी जी के काम है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति पर बहुत भारी पड़ी। सिर्फ 5 रैलियां करके मोदी ने छत्तीसगढ़ का किला कांग्रेस से छीन लिया। जब तक प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के मैदान में नहीं उतरे थे, तब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिए लोहे का किला बना दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ 5 रैलियों ने कांग्रेस के ये लोहे का किला ध्वस्त कर दिया। मोदी की रैलियां शुरू होते ही मोदी की गारंटी का असर देखने लगा। कई एग्जिट पोल ने यह जरूर दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन नतीजे आए तो पता चला टक्कर नहीं, बीजेपी का क्लीन स्वीप था। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक और उनकी गारंटी तो पूरे छत्तीसगढ़ का सियासी खेल बदल देगी, ये किसी को अनुमान नहीं था। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही
पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। मोदी की लीडरशिप में अब मध्य प्रदेश गुजरात के बाद बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा किला बन चुका है। मोदी की ताकत ने गुजरात में 2022 का चुनाव जीतने के बाद 2027 तक बीजेपी राज की गारंटी फिक्स कर दी है, यानी 1995 से 2027 तक गुजरात में 32 साल तक बीजेपी का अखंड राज्य है। और मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव जीतने के बाद अब 2028 तक मध्य प्रदेश में बीजेपी राज की गारंटी फिक्स हो गई है, यानी 2003 से 2028 तक अगर कमलनाथ की सरकार के 15 महीने निकाल दिए जाएं तो 24 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी का अखंड राज्य है। मोदी की हैट्रिक की गारंटी देकर 2029 तक केंद्र में बीजेपी के राज की गारंटी भी फिक्स कर दी है, यानी एक अकेला मोदी सब पर भारी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का विशेष जिक्र किया। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। 2 दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। राहुल की बाजीगिरी और अशोक गहलोत की जादूगरी मोदी की गारंटी के सामने ध्वस्त हो गई। जब तक मोदी राजस्थान के चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे तब तक पूरे 5 साल तक पूरे देश में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ही चर्चा होती रही, लेकिन जैसे ही मोदी ने राजस्थान में चुनाव अभियान शुरू किया राजस्थान में बीजेपी की जीत की गारंटी पर मोदी की मुहर लग गई। साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं, लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही राज्यों में किसी को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया था, हर जगह मोदी ही चेहरा थे, पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। राजनीति के मैदान में मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां 6 दिसंबर को एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं।
मोदी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन मोदी की गारंटी के सामने आज विरोधी बौने साबित हो गए। मोदी मैजिक क्या है? ये जो तीन हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं, उन्होंने बखूबी बता दिया, यहाँ की जनता ने बखूबी बता दिया। और मोदी मैजिक वो अभी विधानसभा चुनाव से लेकर मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक लगातार सुनने को मिलेगा। और इधर आपको बता दें कि मिजोरम में सत्तारूढ़ MNF और BJP अलग अलग चुनावी मैदान में। टैली एक बार फिर से आप देख लीजिए, बस अब 15 मिनट का इंतजार और बचा रह गया है और फिर उसके बाद मिजोरम के चुनावी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पहले बैलेट बॉक्स और उसके बाद फर्स्ट फेज का, जब EVM खुलेगा तो ये आंकड़ा भी आगे बढ़ेगा। देखिए 40 सीटों के ऊपर अपने अपने उम्मीदवार MNF ने उतारे हैं और वहीं BJP ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कई सीटों पर जीत को लेकर बड़ा दावा किया। अब ये देखिए कि जिसे BJP की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है, उसके पीछे वो मुद्दा भी है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं बल्कि तीन राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह घेर लिया। कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब उसका खेल खत्म हो गया। ये मुद्दा था सनातन का और इसे लेकर BJP ऐसी हमलावर हुई कि कांग्रेस को अपनी हार की कानों कान खबर तक नहीं हुई। सनातन यानी शाश्वत, प्राचीन, स्थिर, अटल, अनंत, अनश्वर, चिरंतन, निरंतर, निश्चय, जिसका अस्तित्व सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जिसका कभी अभाव ना हो, यही है सनातन। ২০২৩ के विधानसभा चुनाव में सनातन मुद्दा बन गया। नरेंद्र मोदी ने सनातन पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि तीन राज्यों में कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई। देखते ही देखते सनातन के मुद्दे ने कांग्रेस का वो हश्र कर दिया जिसका अंदाजा शायद खुद BJP को भी नहीं था कि उसकी जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर ऐसी बात कह दी कि इस विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई और देखते ही देखते 3 महीने के अंदर ऐसा बवंडर चला कि तीन राज्यों में कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने जातिवाद की राजनीति और सनातन के विरोध को स्वीकार नहीं किया है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा है सनातन और सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये भारत की जनता को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस सनातन के चक्रव्यूह में फंस गई, कांग्रेस सनातन के अपमान में फंस गई, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के बड़बोलेपन में फंस गई और देखते ही देखते सनातन पर चोट की कोशिश BJP के लिए वोट में तब्दील हो गई। कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हारी, कांग्रेस सिर्फ राज्यों में नहीं हारी, कांग्रेस अपने साथियों के जाल में फंसकर यही समझती रही कि उसने BJP को बुनियादी चुनावी मुद्दों में फंसा कर रख दिया है। लेकिन सनातन पर BJP का प्रचार बहुत कटीले तारों की तरह कांग्रेस को चारों तरफ से जकड़ता रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक पब्लिक को समझा दिया कि सनातन इस तरह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उसके सामने सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान नफरत का बाजार खड़े करना जैसा रहा। पब्लिक सब देखती रही और फिर अचानक राहुल गांधी की वो महीनों तक चली मेहनत जैसे बिना किसी शोर शराबे के डूब गई।